एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th क्वेश्चन 10 पार्ट 1 27y³ + 125z³ 27y³ y पर तो क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, ये है 3y होल क्यूब, 125z होल क्यूब सिर्फ z पर क्यूब है, होल क्यूब नहीं है, तो ये 5z होल क्यूब हो गया। तो ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि एक फार्मूला है a³ + b³, इसमें a पर पूरे पर क्यूब है, b पर पूरे पर क्यूब है, तो इसमें 27 और वाई क्यूब में सिर्फ y पर क्यूब था, 27 पर नहीं था, तो इसकी जगह लिखा हमने 3y होल क्यूब, क्योंकि यहाँ a³ है प्लस b³, यहाँ लिख दिया 5z होल क्यूब। तो a³ + b³ का क्या फार्मूला होता है, a+b × a² + b² - ab। तो ये a³ है, ये है 3y होल क्यूब, तो a³ किसके इक्वल हो जाएगा, 3y होल क्यूब के, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो a इज इक्वल टू बचेगा 3y। सिमिलरली b³ किसके इक्वल है, 5z³ के, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो b बचेगा 5z। तो a की जगह हम 3y पुट करेंगे, b की जगह 5z, कहाँ पुट करेंगे, राइट हैंड में, a+b 3y + 5z × a² यानी कि 3y ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर प्लस b² 5z ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर माइनस a × b 3y × 5z 3y + 5z इज इक्वल टू। अब ये जो पावर 2 है, 3 पर भी है और y पर भी है, 3² होता है 9, y² 5z होल स्क्वायर प्लस 25z² माइनस 3y × 5z माइनस 15yz। तो एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर ये हो गया, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलीनोमियल। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, 64m³ - 343n³। 64m³ की जगह 4m होल क्यूब, 343n³ की जगह 7n होल क्यूब, ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे। फार्मूला a³ - b³ इज इक्वल टू a-b × a² + b² + ab। क्योंकि फार्मूले में यहाँ a पर होल क्यूब है, तो 64 में ऐसा नहीं है, 64 किसका क्यूब होगा, 4 का, तो यहाँ इसको ब्रैकेट में लिखा हमने 4m होल क्यूब, और 343n³ को लिखा 7n होल क्यूब। अब ये पूरे पर क्यूब हो गया, a³ - b³ बन गया ये, तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, a बच गया 4m, और -b³ - 7n³ का इक्वल है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्यूब से क्यूब कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बच गया 7n। तो a की जगह 4m, b की जगह 7n पुट कर देंगे, कहाँ, राइट हैंड साइड में, a-b से 4m - 7n, a² यानी कि 4m² प्लस b² 7n² प्लस a × b 4m × 7n 4m - 7n 4m- होल स्क्वायर ये हो गया 16m², 7n होल स्क्वायर हो गया 49n² 4m × 7n हो गया 28mn। क्वेश्चन नंबर, तो ये जो आगे दोनों, ये दोनों फैक्टर्स हैं इस पॉलीनोमियल के। अब हमको इस पॉलीनोमियल के भी हमको फैक्टर बनाने हैं, तो 27x³ की जगह क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 3x होल क्यूब प्लस y³ को भी ब्रैकेट में, z³ को भी ब्रैकेट में, और ये जो -9xyz है इसकी जगह हमने लिख दिया 3abc 3 × a की जगह 3x, ये a है, ये b है, ये c है, 3abc 3 × 3x × y × z, और इनकी मल्टीप्लाई करके देखो -9xyz ही आ रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला हो गया, ये है a³, ये है +b³, ये है +c³, और ये तीनों हो गए -3abc। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये a+b+c × a² + b² + c² - ab - bc और - ca का। तो इसमें a क्या है, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो a बच गया 3x, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, b बच गया y, क्यूब से क्यूब कैंसिल, c इज इक्वल टू z बच गया। ये हम पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में, a+b+c 3x + y + z × a² बिग ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि a में अब डबल डिजिट आएगा, 3x आएगा, और उस पर स्क्वायर लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट में, अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ गई तो बाहर बिग ब्रैकेट आएगी, a² यानी कि 3x² प्लस b² यानी कि y² प्लस c² यानी कि z² माइनस a × b यानी कि -3x × y - b × c - y × z -c × a c की जगह z × a की जगह 3x
थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ थ्री एक्स होल स्क्वेयर, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट हटा देंगे, नाइन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड इंटू थ्री एक्स कितना होता है माइनस थ्री जेड एक्स, माइनस थ्री एक्स जेड भी लिख सकते हैं, जेड एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ये पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर किसका, इस पॉलिनोमियल का। एक्सरसाइज 2.5 में ही देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको ये पुट करना है कि प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये लेफ्ट साइड है, ये प्रूव करना है कि ये इक्वल होगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वेयर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वेयर के इक्वल होगा। तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो पहले हमने राइट हैंड साइड आरएचएस को ले लिया, इसको सिंपलीफाई करेंगे और लेफ्ट पर हम पहुंच जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड प्रूव्ड। तो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ऐसे कहें ऐसे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स। उसके बाद हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़, एक्स स्क्वायर में ये एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर ऐड करेंगे टू वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर ऐड करेंगे टू जेड स्क्वायर और बाकी ये तीनों सिंगल सिंगल है माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स। इन सभी में से हम टू कॉमन ले लेंगे, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये टू कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये पूरी ब्रैकेट बच गई। अब हम क्या करेंगे, इस x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, फिर x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x y स्क्वायर, x को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x z स्क्वायर, फिर x को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर x को माइनस वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई जेड, फिर x को माइनस जेड एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, x इसमें भी है और x इसमें भी है, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जेड। तो ये तो होगी x से, अब वाई से वाई को करेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई वाई क्यूब, फिर वाई को जेड स्क्वायर से वाई जेड स्क्वायर, फिर वाई को माइनस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई को माइनस वाई जेड से माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर वाई को माइनस जेड एक्स से माइनस एक्स वाई जेड। उसके बाद जेड को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जेड, जेड को वाई स्क्वायर से करेंगे वाई स्क्वायर जेड, जेड को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे जेड क्यूब, जेड को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई जेड, जेड को माइनस वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई जेड स्क्वायर, फिर जेड को माइनस जेड एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड इसमें भी है जेड इसमें भी है, दोनों में पावर वन वन है तो जेड की पावर टू हो जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद एक तो ये हमारे पास एक्स क्यूब बचेगा और ये एक वाई क्यूब बचेगा और उसके बाद ये जेड क्यूब बचेगा और ये जो एक्स वाई जेड है तीन थ्री टाइम्स है माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, तीनों नेगेटिव ऐड कर देंगे माइनस थ्री एक्स वाई जेड। और जो बाकी जो हैं जैसे ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है और माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल, प्लस एक्स जेड स्क्वायर किससे कैंसिल होगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर से, ये रहा लास्ट में माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये है प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये भी जीरो। इसी प्रकार से और भी जो आपस में एक प्लस है एक माइनस है ये रिजेक्ट कर देंगे एक दूसरे को और ये आंसर बचेगा। और ये जो थी ये थी लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने राइट हैंड को सोल्व किया और लेफ्ट पर पहुँच गए, इसका मतलब लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल हैं तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड।